नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गणपति बप्पा मोरिया, जी हां, देश में गणेश उत्सव की बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं। इस दिन गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाती है और शहर से लेकर गांव तक पे श्री गणेश उत्सव की धूम रहती है। महाराष्ट्र सहित पूरे मुंबई में गणपति घर घर पर विराज कर रहे हैं और मुंबई के हजारों पंडालों में गणेश प्रतिमाओं का आगमन शुरू हो चुका है। छोटे और बड़े बाजारों में पंडालों में गणेश प्रतिमाओं की रौनक देखते ही बन रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गणों के अधिपति श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की जाती है, उनके बाद अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। किसी भी कर्मकांड में श्री गणेश की पूजा आराधना सबसे पहले ही की जाती है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता और आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। श्री गणेश लोक मंगल के देवता हैं, लोक मंगल उनका उद्देश्य है, लेकिन जहां भी अमंगल होता है उसे दूर करने के लिए श्री गणेश अग्रणी रहते हैं और गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं, इसीलिए उनकी कृपा से संपदा और समृद्धि का कभी अभाव नहीं रहता। श्री गणेश जी को द्रुवा और मोदक अत्यंत ही पसंद है। बौद्धिक ज्ञान के देवता कहे जाने वाले गणपति के आशीर्वाद से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, इसीलिए भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से आराधना करते हैं। भक्त गणपति की पूजा करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं ताकि उनसे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन अक्सर जानकारी ना होने के अभाव में वो भगवान गणेश जी को ये कुछ चीजें चढ़ाना भूल जाते हैं। पहला मोदक का भोग और दूसरा दुर्वा, एक प्रकार की घास होती है, और तीसरा घी। ये तीनों ही गणपति को बेहद ही प्रिय हैं, इसीलिए जो भी व्यक्ति पूरी आस्था से गणपति जी की पूजा में ये चीजें चढ़ाता है तो उस व्यक्ति को गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति के पूजन में प्रसाद के रूप में खास तौर पर मोदक का भोग जरूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि मोदक गणपति को बहुत पसंद है, लेकिन इसके पीछे पौराणिक मान्यताएं छिपी हुई है। पुराणों के अनुसार गणपति और परशुराम के बीच युद्ध चल रहा था, उस दौरान गणपति का एक दांत टूट गया और इसके चलते उन्हें खाने में काफी परेशानी होने लगी। उनके कष्ट को देखते हुए कुछ ऐसे पकवान बनाए गए जिससे खाने में आसानी हो और उससे दांतों में दर्द भी ना हो। उन्हीं पकवानों में से एक था मोदक। मोदक खाने में काफी मुलायम होता है और माना जाता है कि श्री गणेश को मोदक बहुत पसंद आया था और तभी से वो उनका पसंदीदा मिष्ठान बन गया था। इसीलिए भक्त गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए मोदक का भोग लगाने लगे हैं। हालांकि मोदक के विषय में कुछ पौराणिक धर्म शास्त्रों में भी जिक्र किया गया है। मोदक का अर्थ होता है खुशी या आनंद। गणेश जी को खुशहाली और शुभ कार्यों का देव माना गया है, इसलिए भी उन्हें मोदक चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति के ऊपर मिथ्यता कलंक यानी कि बिना किसी वजह से व्यक्ति पर कोई झूठा आरोप लगता है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण ने भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन किया था, जिसकी वजह से उन्हें भी मिथ्या का शिकार होना पड़ गया था। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को लेकर एक और पौराणिक मत है, और जिसके अनुसार इस चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था, इसी वजह से चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को निषेध माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो आज देश भर में गणेश चतुर्थी जो है वो मनाई जा रही है और इसीलिए बाजारों से लेकर घरों तक जो है चारों तरफ धूम देखने को मिल रही है। हर कोई गणपति बापा को अपने घर पर लेके आ रहा है और इसी बीच हमारे साथ पंडित चंद्रशेखर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी नमस्कार पंडित जी। देखिए, आज गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि शुभ मुहूर्त क्या है, घर पर बप्पा को लाने का मुहूर्त क्या है। जी जी मैं बताता हूँ।
गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न में हुआ था। मध्याह्न मतलब दोपहर के समय में। उस समय सोमवार का दिन स्वाति नक्षत्र सिंह लग्न और अभिजीत मुहूर्त था और गणेश जी के जन्म के समय सभी शुभ ग्रह कुंडली में पंचग्रही योग बनाई थी। इस वर्ष यह त्योहार 10 सितंबर 2021 शुक्रवार को है जी। तो आज स्वाति नक्षत्र भी दोपहर 12:59 से अगले दिन तक है। अभिजीत मुहूर्त भी सुबह 11:52 से दोपहर 12:42 तक रहेगा आज जी। और गणेश जी की जो पूजा का समय है आज मध्याह्न पूजा का समय है वो सुबह 11:21 से दोपहर 1:50 तक है। ऐसे तो भविष्य पुराण में सुमंतु मुनि का कथन है, ना तिथि न नक्षत्र नोपवासो विधीयते यथेष्टम चेष्टतः सिद्धि सदा भवति कामिकः। भगवान गणेश जी की आराधना में जी नक्षत्र या उपवासादि की अपेक्षा नहीं होती। किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाए तो वह अभीष्ट फलों को देने वाली होती है। फिर भी गणेश जी के जन्मदिन पर की जाने वाली उनकी पूजा का विशेष महत्व है। तभी तो भविष्य पुराण में सुमंतु मुनि फिर से कहते हैं, शुक्ल पक्षे चतुर्थ्यातु विघ्नानेन पूजयेत तच्चिद्यति निर्विघ्नं सर्व कर्म न संशयः। एक तंते जगन्नाथे गणेशे तुष्टिमागते पितृदेव मनुष्यात्या सर्वे तुष्यन्ति भारत। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास कर भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए और जो इस पूजन को करता है उसी के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, और देखिए पूजा आज के दिन जो पूजा की जाती है उसके कई नियम कायदे कानून होते हैं, क्योंकि देखिए गणेश जी को घर पर लाना एक बहुत मतलब लोग ले तो आते हैं, लेकिन पूजा जो है वो बहुत ही कायदे कानून से की जाती है। कोई भी किसी भी तरह की उसमें कुछ और चीज ना आए इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो आज किस तरह से पूजा करनी है ये भी आप बताइए। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तस्या स्नानम तथा दानम उपवासो जपत तथा क्रियमाणम सत्गुणम प्रसाद दंतिनो नृपा गुड़ लवण घृतानाम तु दानम शुभकरम स्मतम गुड़ापूक तथा वीर पुण्यम ब्राह्मण भोजनम या तस्याम नरसार्दूल पूज्यन्ति सदा स्त्रिया गुड़ लवण पूपैश्च सुस्तु ससुर ने बचा ता सर्वा शुभगा शुर्वे विघ्नेश्यानुमोदनात् कन्यका तु विशेषेण विधनानेन पूजिये। इस भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का नाम शिवा है। इस दिन स्नान दान उपवास जो भी आदि सत्कर्म किया जाता है वो भगवान गणेश जी के प्रसाद से 100 गुना हो जाता है और चतुर्थी को गुड़ लवण और घृत का दान करना चाहिए और गुड़ के अपूपों जो मालपुआ बोलते हैं उससे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन स्त्री अपने सास और ससुर को गुड़ के पुए तथा नमकीन पुए खिलाती है तो वह भगवान गणेश के अनुग्रह से सौभाग्यवती होती है और पति की कामना करने वाली कुमारी जो कन्याएं हैं विशेष रूप से इस चतुर्थी का व्रत करें और गणेश जी की पूजा करें। जी जी पंडित जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, देखिए आज के दिन गणेश जी को अपने घर पर लाया जाता है इसका भी एक अलग ही महत्व होता है, तो महत्व मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज के दिन का महत्व क्या है। जी मैं वही आपको महत्व बता रहा हूँ। बात यह है थी कि भगवान तारकेश्वर जी जो इनके गणेश जी के बड़े भाई थे जिन्हें कार्तिकेय जी बोलते हैं जी, वो पक्का बाग में रहते थे। पक्का बाग जो स्थान है वहां पर उनके पास गणेश जी आज के दिन पहुंचे तो उन्होंने उनको वहां का राजा घोषित किया। आतिथ्य में भगवान गणेश को अपने छोटे भाई को आतिथ्य में वहां का राजा बना दिया। तो उसी दिन जाकर के भगवान गणेश जी वहाँ कुछ दिन तक उन्होंने विश्राम किया और उसके बाद वापस चले गए। तो इस व्रत को इस त्योहार को ज्यादातर महाराष्ट्र वाले लोग जो मनाते हैं जी अपने यहाँ गणेश जी की स्थापना करते हैं, उनको 5 दिन 11 दिन 9 दिन उनकी पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, गणेश अथर्वशीष का पाठ करते हैं, लड्डुओं का भोग लगाते हैं, दूर्वा चढ़ाते हैं, उसके पश्चात उनको वो विदा कर देते हैं, वो उसका समय होता है। लेकिन हम लोगों को गणेश जी को कभी विदा नहीं करना चाहिए जी। भगवान गणेश जी सारी चित्त बुद्धि के दाता हैं, उनको हमेशा अपने यहाँ रखना चाहिए। लेकिन उनकी जो परंपरा स्थानीय परंपरा है जी, हेलो जी 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 बोलिए पंडित जी, उनकी जो स्थानीय परंपरा का जो वहाँ चलता आ रहा है जी, उनका वो चलने दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ गणेश जी को लाके स्थापित करें और उनको जिस तरह से लोग 11 दिन के बाद 5 दिन के बाद उनको जल में
प्रवाह कर देते हैं, उनको प्रवाह नहीं करना चाहिए। हमारे मतानुसार भगवान को हमेशा गणेश जी को अपने यहाँ उनकी सेवा करते हैं, उनको अपने यहाँ रखना चाहिए। जी जी, चलिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज देश भर में गणपति जो हैं वो विराजमान हो रहे हैं घर घर पर, और मंदिरों से लेकर मार्केट से लेकर घरों तक जो है वो चारों तरफ धूम देखने के लिए मिल रही है गणेश चतुर्थी की, और बाजारों में भी लोग गणपति को लेने के लिए पहुँच रहे हैं, और ऐसे में अपने घरों पर गणपति को लाने की होड़ में हर कोई दिख रहा है। इसीलिए चारों तरफ जो है वो इस गणेश उत्सव की धूम जो है वो की जा रही है, और खासकर पर महाराष्ट्र में तो तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही हैं। हालांकि सरकार ने पाबंदी जरूर लगाई है, लेकिन उन सब के बावजूद भी गणपति को लेने के लिए लोग जो हैं वो भारी संख्या में मार्केट में पहुंच रहे हैं, और हर कोई अपने घर पर गणेश जी को लेकर आना चाहता है। फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार का कहर अभी भी जारी है। फिरोजाबाद से शोसया अस्पताल में हर दिन 100 से 150 बच्चे बुखार से पीड़ित भर्ती करने के लिए लाए जा रहे हैं। वहीं दर्जनों तीमारदार अपने बच्चों को लेकर भर्ती कराने के लिए अस्पताल के बाहर बैठे हैं। बच्चे बुखार से पीड़ित हैं, डॉक्टरों की तरफ से उनको दवाई दे दी गई है, लेकिन बच्चों का बुखार नहीं उतर रहा, और बच्चों के माता पिता उस वक्त के इंतजार में बैठे हैं कि कब कोई अस्पताल से आए या कोई अधिकारी उन्हें मिले और उनसे बच्चों को अस्पताल में उनके बच्चों को भर्ती कराए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं वायरल फीवर की वजह से अगर मौत के आंकड़ों पर की बात की जाए तो प्रशासनिक तौर पर कल तक बता दें 55 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि आज भी बच्चों की मौत होने से आंकड़ा 57 पर पहुंच गया है। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनेश कुमार प्रेमी और जिला अधिकारी फिरोजाबाद चंद्र विजय सिंह पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी बच्चों के मौतों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। वहीं लोगों की माने तो उनके बीमार बच्चों को जबरन अस्पताल से छुट्टी दे दी जा रही है, जबकि बच्चे अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको छुट्टी दे दी गई है और अगले ही दिन उनको गंभीर अवस्था में दोबारा से अस्पताल में लाया गया है, जिनको दोबारा से भर्ती किया गया। वहीं प्रशासन ने बता दें अपनी कमियों को छुपाने के लिए अस्पताल के अंदर कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों पर भी रोक लगा दी है, यानी कि अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों से ही कि फिरोजाबाद में समय हालात कैसे बने हुए हैं, और यूपी के तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर इस रहस्यमय बुखार से जो है बच्चे बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं। लेकिन फिरोजाबाद की बात कर ली जाए तो फिरोजाबाद में अब तक 57 बच्चों की इस वायरल फीवर से जान जा चुकी है, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से तीमारदार जो है माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को गोदी में लेकर अस्पताल पहुँच रहे हैं। कोई अस्पताल के बाहर वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, जमीन पर बच्चों को लिटाया हुआ है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब बेड जो है अस्पताल में मिलेगा, कब उनके बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। सो सही है कि जहां तक बात है उसमें 550 बेड हैं और कल तक 400 पेशेंट भर्ती थे। ये मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आता है, इसमें प्रिंसिपल जो है उनका कंट्रोल होता है, हम उनको सहयोग करते हैं, और लगभग 100 से लेके 170 पेशेंट पर डे भर्ती बच्चे हो रहे हैं और उतने ही बच्चे डिस्चार्ज हो जा रहे हैं। अभी तक अगर आंकड़े की बात करें फीवर से संबंधित तो 55 अभी फिरोजाबाद में डेथ हुई है, जिसका हम ऑडिट लगातार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि डेथ के कारण क्या है। देखिए आपने देखो गए जाके, और हम भी कल भी गए थे और कमिश्नर साहब भी गए, डीएम साहब भी लगातार जा रहे हैं। कुछ पैनिक क्रिएट हो जाता है, और पैनिक का मतलब है कि अगर जिसको जरूरत है वास्तव में उसको भर्ती करना चाहिए। अगर मान लिया किसी की प्लेटलेट काउंट 1 लाख से ऊपर है और वो कहता है कि मुझे भर्ती करो, तो इसका थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है कि अगर हमारे पास 150 बच्चे रोज आ रहे हैं, भर्ती आ रहे हैं, तो पहले हम उससे प्रायोरिटी दी जाए जो वास्तव में जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि जो गैर जरूरी भर्ती हो जाएंगे, जो जरूरी है वो भर्ती नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रायोरिटी से देखा जाता है कि किसको जरूरी है, वो टीम वहां बैठी है, जैसे उसका देखती है कि इसको भर्ती लाएगा तो उसको भर्ती कर लेते हैं। तो बता दें फिरोजाबाद में बच्चों की मौत का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, ऐसे में अब तक इस वायरल फीवर से फिरोजाबाद में ही 57 बच्चों की जान जा चुकी है, और
अस्पतालों में जगह नहीं है, दवाइयां नहीं है, बेड की सुविधा नहीं है और हालात ये हो चुके हैं कि अस्पताल के बाहर जो हैं वो माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी कोई डॉक्टर आए और उन्हें अंदर बुलाया जाए, अस्पताल में बेड मिले ताकि उनके बच्चे का इलाज जो है वो हो सके। यानी कि इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिरोजाबाद में इस वायरल फीवर से हालात जो हैं वो कैसे बने हुए हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो लगातार अस्पतालों की देखने को मिल रही है। अस्पतालों में जगह नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, कोई भी बच्चों का इलाज करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए लगातार माँ बाप जो हैं बच्चों के वो डॉक्टरों के पैर पड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, गिड़गिड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनसे मदद के लिए अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं मदद के लिए ताकि उनको जल्द से जल्द मदद मिल सके। उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे AIMI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बाराबंकी पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि देश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर तो कभी एनकाउंटर के नाम पर उन्हें मारा जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि केवल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे, हम उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। 11% यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या 19% मुसलमान 19 MLA भी नहीं बना सकते हैं। आगे ओवैसी ने कहा कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी PM बने हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पर केवल मुसलमानों को मारा जा रहा है। संसद में CA का कानून बनने के बाद जब UP में विरोध प्रदर्शन हुआ तो 22 मुस्लिमों को गोली मार दी गई, उनको गोली पैर पर नहीं सीने पर लगती है, सर पर गोली लगती है, ऐसा मैं नहीं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कह रहे हैं। उन्होंने भी माना है कि मुसलमानों को टारगेट किया गया है। तो ऐसे में ओवैसी जो हैं वो यूपी के दौरे पर थे, जहां पर बाराबंकी पहुंचे और बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। लोगों को, आवाम को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया, करीब 50-60 लोगों पर मुकदमा है किया, जेल को भिजाया, NSA लगाया और फिर मई 17 को योगी सरकार ने नरेंद्र मोदी की तायीद से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया। उसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में पॉलिटिकल डिमोलिशन था। उस वक्त दिल्ली में यह खबर चल रही थी कि शायद योगी को हटाया जाएगा, तो योगी ने गर्मी पैदा करने के लिए अपने ऑफिसर से कहा कि तोड़ दो मस्जिद को, बाराबंकी की जो 100 साल पुरानी मस्जिद थी। किसने आवाज उठाई उसके बारे में? किसने मीडिया के सामने जाकर, आवाम के दरमियान में जाकर कहा कि यह मस्जिद है, इसको शहीद नहीं करना चाहिए था? कौन आवाज उठाया? क्या ये BSP सपा के लोगों ने आवाज उठाई? क्या उन्होंने कहा कि हम चलेंगे सरकार के मस्जिद को आबाद करेंगे? हरदोई में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा में कई पूर्व प्रधान और पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य और पूर्व प्रत्याशी विधानसभा को शामिल कराने के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व सांसद ने उषा वर्मा ने कहा कि 48 प्रमुख लोग हैं जिन्होंने कई दलों को छोड़कर सपा में आस्था जाहिर की है। उनके साथ करीब 150 अन्य लोग भी हैं जो सपा में शामिल हुए हैं। इनको शामिल कराने में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष पदम राग सिंह यादव पंपू का विशेष योगदान रहा है और इन सब के आने से समाजवादी पार्टी को लाभ भी मिलेगा, मजबूती मिलेगी और हरदोई की 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कराते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। वहीं सपा के भविष्य में अन्य दलों की तरफ से किए जा रहे प्रचार को लेकर कहा कि विरोधी दल कमेंट किया करते हैं, समाजवादी पार्टी जनहित के काम करती रही है और सरकार बनाने के बाद जनहित के काम करेगी। उषा वर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, बंगाल की तरह वहां भी काम कर रहे हैं, ओवैसी का ना कोई जनाधार है और ना कोई उनको जानता है।
जनपद के विभिन्न पार्टियों से आए हुए प्रमुख लोग जो कि कई पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, वो लोग पार्टी में शामिल हुए हैं और कई अन्य दल के प्रत्याशी भी रहे हैं। ये हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पद्मराज सिंह पम्मू भाई के नेतृत्व में उनके सहयोग से वो लोग पार्टी में शामिल हुए। दो दिन पहले लखनऊ में शामिल हुए थे, उसमें विशेष रूप से ब्राह्मण समाज से हैं विमल मिश्र जी जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, और कमलेश पाठक जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगमोहन जी हैं, और पूर्व सवाईपुर से विधानसभा के प्रत्याशी रहे थे। आगरा विकास प्राधिकरण की तरफ से बनाए जा रहे ग्रेटर आगरा ने अब आकार लेना शुरू कर दिया है। चार महीने के अंदर पहले पार्ट की बिक्री शुरू हो जाएगी और एडीबीसी राजेंद्र पेंसिया के अनुसार पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर ई ऑपरेशन सॉफ्टवेयर के जरिए न्यूनतम मूल्य पर बिक्री शुरू की जाएगी। आने वाले सोमवार और मंगलवार को स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट प्लानिंग के अधिकारियों के साथ बैठक और भ्रमण कर पहले चरण का काम फाइनल किया जाएगा। आगरा के ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वास्थ्य कैंप लगाया और ग्रामीणों का चेकअप कर दवा बांटी गई। जानकारी के अनुसार वायरल बुखार को लेकर गांव-गांव ग्रामीण बच्चे महिलाएं बुखार से ग्रसित हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सतर्क है और लगातार गांव-गांव पहुंचकर स्वास्थ्य कैंप लगा रहा है और लोगों को दवाएं वितरण भी की जा रही है। गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पिरोड़ा से बरपुरा गाँव में स्वास्थ्य कैंप लगाया। स्वास्थ्य कैंप में 49 ग्रामीणों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया, जिसमें से 9 ग्रामीण मरीज बुखार के निकले जिनके ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। बाकी ग्रामीणों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है दवाएं बांटी गई और ग्रामीणों को साफ सफाई के साथ अपने आसपास साफ सुरक्षित रहने की सलाह भी दी गई है। बलरामपुर के थाना हरैया क्षेत्र में नहर में दो महिला कच्चे घर की पुताई करने के लिए मिट्टी खोदने के लिए गई हुई थी, तभी ऊपर से अचानक टीला गिर गया जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी महिला घायल हो गई। घायल महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां दवा इलाज के बाद उसकी हालत ठीक है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबे हुए शव को मिट्टी के नीचे से बाहर निकालकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस संबंध में हरैया थाना प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र बहादुर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, साथ ही दूसरी घायल महिला का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। तो भागागा तो गाँव में पानवा गिरेगा और यहाँ पे था सवाल उसका लेकर दहना आऊँगा हमारे गाँव में कई जने का ना पाँच साठ हो बेटे रहे चार जने नहरा बहन चार ठा लड़के रहे तो आप सब तो बगली आ गए रह और दो जने हम बचन ना तो एक जने दलित खत्म हो गया हम मोन मोन गए ना खाली के खास है खाली मोड़ मोड़ हमारे ऊपर रहा सब दबा रहा पहुँचा सब छोड़ कर तब निकारे। हरदोई के कछौना इलाके में रहने वाली महिला रचना सोनी ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है और बताया है कि उसके पति चंद्रशेखर सोनी नौकरी के लिए ओमान गए हैं और वो अब बीमारी से पीड़ित हैं और उनके पास ना वीजा है ना पासपोर्ट और सब कंपनी मालिक ने अपने पास रख लिए हैं, इसीलिए वो वापस स्वदेश नहीं आ पा रहे हैं। रचना ने अपने पति के स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए उसको घर वापस लाने के लिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। महिला अपने दो
छोटे बच्चों आरोही के साथ रह रही है और पीड़ित महिला रचना सोनी ने बताया कि 6 महीने पहले फरवरी महीने में उसका पति चंद्रशेखर सोनी राजस्थान के एक युवक के साथ नौकरी के लिए ओमान चला गया था। लगभग 2 महीने के बाद फोन पर बातचीत के दौरान उसके पति ने अपने बीमार होने की सूचना दी और बताया कि कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही है, इसीलिए इलाज के लिए 20,000 रुपए भेजने के लिए कहा था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।